जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आपको गाजर, मूली और ये मिर्ची का अचार डालना दिखाएंगे। देखिए, ये चार गाजर थी और दो मूली और 8-10 मिर्ची। अच्छे से धो के मैंने इनको काट के 2 घंटे की धूप लगाई है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे के नीचे फैलाइए। और अचार देखिए, मैंने गैस पे फ्राई पैन को रखा हुआ है। देखिए, ये सौंफ है 2 चम्मच, हल्का इसको रोस्ट करेंगे। हल्की होने के बाद देखिए, ये दो चम्मच राई है और 1 चम्मच सरसों पाउडर, सरसों है। बस बिल्कुल इनका कच्चापन निकालना है। आजकल मार्केट में गाजर, मूली, ये गोभी भी पड़ जाती है इसमें, लेकिन मैं ये 3 तरह का ही डाल दी। आप गोभी भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया अचार तैयार होता है। देखिए, हल्की चटकने की आवाज़ आएगी। और देखिए, आधा चम्मच है मेथी दाना, इसको भी इसको लास्ट में डालेंगे। थोड़ा ये चटकने की आवाज़ आई, उसके बाद मैंने इसको डाल दिया। देखिए, आवाज आ रही है ना चटकने की, गैस को बंद कर देंगे। हल्का ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको दरदरा मिक्सी में पीस के मैं तैयार करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए, अचार डाल, देखिए मस्टर्ड ऑयल मैंने 3 चम्मच अच्छा खूब तेज गरम करके इसको हल्का ठंडा कर लिया है। मसाला मेरा दरदरा पीस के तैयार हो गया है। ये आधा चम्मच मिर्ची पाउडर है और 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर है। अगर आप अमचूर पाउडर ना डालना चाहें तो नींबू डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है। और देखिए, ये 3 चम्मच नमक है। देखिए, मसाला डालते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, तेल बिल्कुल मेरा तेज गर्म होके मैंने उसको ठंडा करा है। और देखिए, ये नमक, अचार में नमक कम नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये अचार तो ऐसा है ना, ताज़ा ताज़ा डालिए, 8-10 दिन तक खाइए, फिर दोबारा डाल लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए पड़ता भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। देखिए, सबको अच्छे से मिला के मसालों को, सभी चीज़ें एक साथ डाल दें। इसमें आप गोभी भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये 3 चीज़ का ही डालूँ। देखिए, अच्छे से खूब मिलाइए, इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई डुबाना है या कुछ करना है। इस तरीके से देखिए, अभी हल्का सा तेल गरम था, इसको अच्छे से मिला के और 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं जार में डाल के आपको दिखाती हूँ। अचार फटाफट तैयार है, आप इसको तुरंत खा सकते हैं। देखिए देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में अलग ही टेस्ट आएगा। इसको मैं ढक के छोड़ रही हूँ 5 मिनट के लिए और मैं आपको जार में डाल के दिखाती हूँ। देखिए, अचार मेरा फटाफट बनके तैयार हो गया है। इसको तुरंत खाना शुरू कीजिए और 2 दिन बाद तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप इसको 2 दिन के लिए धूप में और बाहर की ओस में रख के छोड़ दीजिए। अचार बहुत ही बढ़िया टेस्टी हो जाता है रखने के बाद। देखिए, आप भी बनाइए, इसी तरीके से डालिए और इसे दाल, सब्जी, किसी भी चीज़ से खाइए, इंजॉय कीजिए। 8-10 दिन तक बहुत बढ़िया लगता है। ज़्यादा पुराना होने पर तो ये थोड़ा सा टेस्ट इसका वैसा हो जाता। ताज़ा डालिए और ताज़ा खाइए, क्योंकि भरपूर गाजर, मूली, ये सभी चीज़ भरपूर मात्रा में इस टाइम मार्केट में आई हुई है। देखिए, फटाफट बन के तैयार हो गया है खाने, और खुशबू भी बहुत अच्छी आई, क्योंकि मसाले मैंने थोड़े रोस्ट करके डाले हैं तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। देखिए, आप भी बनाइए इसी तरीके से और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए, आप भी डालिए, इंजॉय कीजिए, और दाल के साथ तो लाजवाब लगता है। देखिए,
बहुत बढ़िया अचार पड़ा देखिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। जो नए हैं वो कृपा करके देखने के बाद भूल जाते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।